छोड़ दिए, समझ जाना कि ऊपर वाला ने हमें उठा लिया है। कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? जिसका सपना टूट गया हो, जिसका दिल टूट गया हो, जिसके अपने छोड़ दिए हो, जिसका शरीर जवाब दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के कहे मैं ठीक हूं। आप अपने आप को कभी कमजोर होने मत दीजिएगा। आपके अंदर वो साहस है। ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं भूगोल में तो ज्वालामुखी पढ़ाया जाता है, उसमें कई टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। उसमें एक ज्वालामुखी होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ रहता है। आप सब सुसुप्त ज्वालामुखी हैं, सोए हुए। एक दिन जिस दिन ये विस्फोट करेगा ना, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी आप लोगों को। आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी है। जिन लोगों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़ेंगे, जिन जो अभिभावक है अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप एक साल में बदलाव चाहते हैं तो धान की खेती कीजिए। अगर आप चाहते हैं 10 साल में बदलाव दिखे, शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सदियों सदियों आपका इतिहास स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए, तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। क्योंकि शिक्षा उस सेमी का दूध है जिसने पिया वो धारा है। आपकी धार पूरी दुनिया सुनेगी और आपको सुनाना है उनको अपनी धार। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण हैं। आप कभी किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की होती है वो डुप्लीकेट की कभी नहीं हो सकती है। आप ओरिजिनल हैं। कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत आकिएगा। आप में अंदर वो सहने की क्षमता है जिस जो हम लोगों में नहीं है। इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। रेस में एक जब घोड़े को उसका मालिक जो उस घोड़सवार के पीठ पर बैठा रहता है उसको बहुत मारता है, बहुत तकलीफ देता है। उस घोड़े को नहीं समझ में आता है कि हमें मार क्यों रहा है, लेकिन हकीकत में वह उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो भगवान भी जब आपको तकलीफ देना तो समझ जाइएगा कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। और हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी पूरा ताला खोल देती है। कभी हिम्मत नहीं हारना है आप सब लोगों को। आप लोगों अभी अभी आप लोग की बातों को नहीं सुन रहा होगा, बहुत सारी समस्याओं को आप लोग सामना करते होंगे। उन सभी लोगों से कहिएगा, अभी आप कांच हैं इसलिए चुभ रहे हैं। जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आपको, और आप सब लोग का बनना है आईना। हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अपने बच्चों को कभी भी पढ़ने से पीछे मत खींचिएगा। लोगों के अंदर एक भावना बैठ गई है कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते। अरे एक बार मौका तो देंगे, देखो इनको पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा भारत के लिए मेडल किसने लाया? दिव्यांगों ने लाया। आप इसको करके दिखाएंगे, ये आपका अधिकार है और इसे छीन लीजिए। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है। आजादी हो या अधिकार, उसे छीनना पड़ेगा। आप इसे छीनिए, हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। आप सब लोग कभी भी निराश नहीं होइएगा, हमेशा।